हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्रावानी पूनम और मेरा चैनल है प्लांट विद पूनम। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सब से। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये वीडियो में मैं कुछ मेरा जो गार्डनिंग का अपडेट सी दिखाऊंगी, जो मैंने कुछ कटिंग्स लगाए थे आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, ये मेरा पुराना वीडियो का क्लिप है जहाँ पे मैं कुछ कटिंग्स लगा रही हूँ, कुछ डिस्केडिया और टर्टल वाइन और वंडरिंग जू के कुछ जो मैंने कटिंग्स लगाए थे सामने पहले दो तीन महीने आगे। तो उसी को मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे गार्डन में उतना फूल तो नहीं खिला हुआ है, अभी पोइंसेटा भी बहुत मैंने छोटे ही है, उतना नहीं हुआ है इस बार। तो अभी जो दूसरे फ्लावर्स है वो भी बाकी है। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये जो मैंने जो कटिंग्स लगाए थे उसी का अपडेट्स दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही है, तो मैं इस तरह से इधर सब मनी प्लांट्स को और हैंगिंग प्लांट्स को इस तरह से झुलाई हूँ। तो देखिए, एक तो ये था, तो कितना लंबा हो गया है। देखिए, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। वंडरिंग जू मैंने छोटा छोटा लगाया था ना आप लोगों के सामने, तो इतना बड़ा हो गया ये। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे है कटिंग्स इसके, जो मैं नए नए लगाती रहती हूँ वंडरिंग जू की, लेकिन मुझे जो नए नए आते हैं ना वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं लगाती रहती हूँ ये। देखिए, तो उसी टाइम में लगाया हुआ जो टर्टल वाइन बहुत अच्छी तरह से इसका ग्रोथ हुआ है। और ये भी है, दूसरे टाइप का है ये टर्टल वाइन, थोड़ा लूज टाइप का होता है ये, और थोड़ा वो जो दिखा है वो टाइट वाला है टर्टल वाइन। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है अभी। और ये तो जो बहुत सारा मिक्स्ड है, इसमें डिस्केडिया भी है, टर्टल वाइन भी है, और जितना मैं लगाऊं उतना ही कम पड़ता है, मुझे बहुत ही पसंद है। और ये जो हैंगिंग है इसको भी बहुत ही पसंद है, जो बहुत ही लंबा हुआ है, इंच प्लांट है ये, तो बहुत ही मैंने जब लंबा सा होता है ना तो उसका शो ही कुछ अलग होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में बहुत अच्छा आता है ये। और मैं काट कर फिर दूसरा छोटा छोटा लगाती रहती हूँ, नया प्लांट्स इसका जो बनाती रहती हूँ इसका। तो ये है बाहर, घर के बाहर मैंने जो लगाए हैं ये सब हैंगिंग प्लांट्स। और ये है डिस्केडिया, देखिए मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट जब लंबा सा होता है, उसके हर एक जो पत्ते हैं ना बहुत ही शाइनी होते हैं डिस्केडिया की, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है ये भी। तो देखिए, ये जो मैंने उस टाइम में मैंने जो चिलीज़ के जो लगाए थे ना मिर्च के, हरा मिर्च के जो छोटे छोटे पौधे, तो इस तरह से ये मेरा पुराना वीडियो का क्लिप है, मैं फ्लैशबैक दिखा रही हूँ। तो ऐसे मैंने किए थे, तो अब ऐसा हुआ, इतना बड़ा हुआ, मैं उसी का अपडेट दिखा रही हूँ कि अभी इतने बड़े हो गए हैं जो मिर्च के पौधे।
और ये है बोगनविलिया की कटिंग्स जो मैंने शायद 2 महीने आगे लगाया था, तो बहुत सारी पत्तियाँ आ गए लेकिन उसके जड़ अभी तक अच्छी तरह से नहीं आए हैं, इसलिए मैंने उसको ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं किया है। तो ये भी बहुत अच्छे कलर्स के हैं। तो दोस्तों ये है मेरा जो कुछ गुलदाउदी के कटिंग्स मैंने लगाए थे, तो अभी इतना बड़ा हुआ है, लास्ट मंथ लगाए थे कटिंग्स लगाए थे, तो थोड़ा थोड़ा पिंचिंग भी किया है ऊपर से, तो अभी इतना बड़ा हुआ है, इसको एकदम सारा धूप चाहिए इसलिए इसको धूप में रखा हुआ है। तो इस तरह से हुआ है, अभी तक इतना ही बड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे कलर्स के हैं, मुझे खुद पता नहीं है, लास्ट ईयर के है जो कटिंग्स मैंने लगाए हैं पुराने पौधे के, तो देखते हैं कैसा होता है। और यहाँ पे है कोलेंचो, जो ऑरेंज कलर का कोलेंचो था मेरे पास छोटे छोटे, तो वो अभी से खिलना शुरू हो गया, छोटे छोटे कटिंग्स लगाए थे मैंने, तो पिंक और येलो कलर की भी है, अभी तो खिले नहीं है, और नीचे गार्डन एरिया में पूरा लाल रंग का है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर का है, और छोटे छोटे कटिंग्स लगाए थे, मुझे पता नहीं था इतना जल्दी ये खिल उठेगा, तो ऐसा हो रहा है अभी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, मेरा जो मैंने कटिंग्स लगाए थे 2-3 महीने आगे, तो उसी का अपडेट था, आज यही दिखाना था आप लोगों को। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो एंड करने जा रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी दूसरा ही टॉपिक लेकर आऊँगी जल्दी ही, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।